हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग HP Pavilion Gaming 15 लैपटॉप का अनबॉक्सिंग। इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और मैंने इसको कहां से परचेज करा है और मुझे यह कितने का पड़ा है और क्या यह वैल्यू फॉर मनी लैपटॉप है या नहीं और यह लैपटॉप किन लोगों को परचेज करना चाहिए, इन सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलती रहे। तो चलिए गाइज, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉक्स को ओपन करते हैं और इसके अंदर क्या क्या आपको लैपटॉप के साथ में देखने को मिलता है और आप लोगों को हम बताते हैं। इस बॉक्स को हम ओपन करते हैं और क्या क्या इसके अंदर है वो आप लोगों को हम दिखाते हैं। गाइज, मैंने जब इस लैपटॉप को ख़रीदा था, मैंने इसको ऑफलाइन परचेज करा हूँ और मैंने इस बॉक्स को ऑलरेडी एक बार ओपन करके इसको बूट कर चुका हूँ। तो फिलहाल मैं इसके अंदर क्या क्या डब्बे में देखने को मिलता है और इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो हम बात करेंगे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हम लैपटॉप को इससे निकालते हैं। गाइज देख सकते हैं, ये लैपटॉप कुछ इस तरीके से पैक आती है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं और इसके अंदर गाइज ये हमारा कुछ पेपर वर्क है जो कि मैनुअल गाइड है, तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। और गाइज इस डब्बे में आपको एक मिलता है चार्जर और साथ में इसके पावर केबल और इसके अडेप्टर मिलता है जिसकी हेल्प से आप चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं कि ये कितने वाट का चार्जर आप लोगों को मिलता है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, ये 150 वाट का ये चार्जर आप लोगों को मिलता है। गाइज मैंने इस लैपटॉप को वन डे यूज करा हूँ और यूज करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से बता सकूँ। तो गाइज 150 वाट का इसमें आपको चार्जर देखने को मिल जाता है और ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो चलिए इस चार्जर को हम साइड में रखते हैं और इसकी वायर काफ़ी लंबी दी गई है, क्योंकि आप देख सकते हैं इतना ये वायर है और इसमें आपको और भी यहाँ पे बैंड किया हुआ है। चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, इस बॉक्स को भी साइड में मैं रख लेता हूँ। चलिए गाइज हम इसको ओपन करके और बूट करके आप लोगों को दिखाते हैं। इसको भी मैं साइड में रखता हूँ और इसकी पैकेजिंग गाइज देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आती है। गाइज अगर आप इस लैपटॉप को ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक HP ब्रांड का यहाँ पर सील पैक मिल जाएगा, तो आप इस सील को ज़रूर देखें। या फिर अगर आप ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं मार्केट से, मैंने ऑफलाइन परचेज करा है लेकिन यहाँ पर HP ब्रांड का ये आपको जो यहाँ पे बैंड है वो ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये अच्छे तरीके से पैक है तभी आप लैपटॉप को ख़रीदें। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज देख सकते हैं, ये लैपटॉप हमारा कुछ इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलता है। इसकी जो फ्रंट लुक है वो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। ओपन करने से पहले गाइज हम इसके पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं चार्जिंग प्लगइन के लिए दिया हुआ है और जैसे ही आप चार्जर को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लाइट ग्लो करेगी और यहाँ पर आपको 2.0 का यहाँ पर USB मिल जाता है लेफ्ट साइड में, और आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। और राइट साइड की बात करें गाइज तो यहाँ पर देख सकते हैं, गाइज यहाँ पर देख सकते हैं जो कैमरा में SD कार्ड दिया जाता है उसको आप डायरेक्ट इसमें इंसर्ट करके आप डेटा को कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर गाइज आपको हेडफोन जैक दिया गया है और यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है Type-C का, और उसके बाद यहाँ पर एक RJ45 जिस आप इथरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि अब जो नए लैपटॉप आ रहे हैं लाइट वेट, उसमें आप RJ45 का पोर्ट है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इस लैपटॉप में अच्छी बात है कि ये गेमिंग सीरीज लैपटॉप है इसलिए इसमें इथरनेट पोर्ट है वो दिया गया है। और यहाँ पर गाइस 3.0 का एक USB मिल जाता है। तो टोटल इस लैपटॉप में आपको 2 USB है, एक 2.0 और एक 3.0। उसके राइट साइड में गाइस यहाँ पर HDMI पोर्ट दिया गया है। और अगर आगे की बात करें गाइस तो यहाँ पर देख सकते हैं एयर वेंट्स काफ़ी बड़ी दी गई है। ये गेमिंग सीरीज लैपटॉप है इसलिए इसका एयर विंट में कोई कमी नहीं होने वाली है। ये लैपटॉप बहुत ही कूल होता है क्योंकि मैंने भी इसका रिव्यू ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। और यहाँ पर गाइस देख सकते हैं Pavilion का यहाँ पे Pavilion यहाँ पे लिखा हुआ है और लैपटॉप के आगे HP का लोगो यहाँ पर देख सकते हैं।
सिल्वर कलर में दी गई है, जो कि इस लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो चलिए गाइज हम इसको ओपन करके और आप लोगों को दिखा देते हैं। गाइज अगर इस लैपटॉप के बैक साइड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको एयर वेंट्स काफी अच्छी मिल जाती है। यहाँ से गाइज इस लैपटॉप के जो एयर है उसको अंदर लिया जाता है, अंदर जाती है एयर और यहाँ से आपको एयर जो है वो फ्लो होती है। और यहाँ पे भी आपको पवेलियन का ब्रांड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको विंडोज 10 जो है इस लैपटॉप में प्री इंस्टॉल मिलने वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रबड़ का ग्रिप अच्छा दिया गया है, जैसे कि आप अगर आप इसको टेबल पर रखते हैं इसकी जो ग्रिप है बहुत अच्छी यहाँ पे दी गई है। तो चले गाइज अब इसको हम ओपन करते हैं और इसके बूट करके आप लोगों को स्पेसिफिकेशन बताते हैं। तो गाइज इस लैपटॉप को आप देख सकते हैं, लैपटॉप का लुक कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है। अगर इसका स्पेसिफिकेशन की बात करें गाइज तो आपको इस लैपटॉप में 512 GB का SSD और 8 GB का रैम, साथ में 4 GB डेडिकेटेड NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti ग्राफिक्स देखने को मिलता है। और इसमें आपको रिफ्रेश रेट जो है 144Hz का देखने को मिलता है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं पवेलियन का यहाँ पे ब्रांड दिया गया है। तो चलिए गाइज अब हम इस लैपटॉप को बूट करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो बूटिंग जो इसका टाइम है देख सकते हैं गाइज कितना जल्दी ये हमारा लैपटॉप है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गाइज देख सकते हैं हमारा लैपटॉप है वो स्टार्ट हो चुका है। गाइज अगर आप एक 90Hz के लैपटॉप को यूज किए हैं और उसके बाद अगर आप 144Hz वाले लैपटॉप को यूज करेंगे तो आपको जो फर्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है। गाइज इस लैपटॉप में आप 16GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं और 1TB तक आप SSD को एक्सटेंड कर सकते हैं। हालांकि इस लैपटॉप में HDD और SSD दोनों का पोर्ट नहीं दिया गया है, आप इसमें 2 SSD आप इस लैपटॉप में लगा सकते हैं, हालांकि इसमें अलग से HDD का स्लॉट नहीं दिया गया है। और इसकी साउंड की बात करेगा तो इसमें आपको BLO साउंड दी गई है जो कि एवरेज है, ज़्यादा खराब भी नहीं है, ज़्यादा लाउड भी नहीं है, तो एवरेज साउंड इसमें दी गई है। और इसके हिंज की बात करेगा तो ये हिंज भी इसके काफ़ी अच्छी है, आप एक हाथ से इसको इस तरीके से खोल सकते हैं। गाइज इस लैपटॉप में राइजन 5 4000 सीरीज का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, इंटीग्रेटेड रेडियन ग्राफिक्स के साथ में आती है। और इसमें आपको 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti दी गई है। गाइज अगर आप ओवरऑल इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और इसमें कोई भी हीटिंग इशू नहीं है। मैंने इस पर गेम भी खेल करके देखा है और मैंने इसको एक दिन यूज करा है, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके बारे में जाना इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, ये इसमें क्या क्या प्रोस एंड कॉन्स है। तो अगर इसमें गाइज इसमें खामी की बात करें इसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो गाइज इसके कीबोर्ड की जो लाइट है वो ऑटोमेटिक से ऑफ हो जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर आपको पता है कि इस कीबोर्ड को कंट्रोल भी कर सकते हैं तो आप नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और दूसरी बात करें गाइज तो ऊपर में देख सकते हैं जब भी हम इसको टच कर रहे हैं तो यहाँ पर एक निशान आ जा रहा है कि आपके हाथ होगा, तो ये मुझे इसमें और इसमें बड़ी कोई भी ऐसे इशू नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि यह लैपटॉप किन लोगों को लेना चाहिए। गाइज अगर आप एक हैवी टास्क यूजर हैं, जैसे कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, गेमिंग करते हैं, स्ट्रीमिंग करते हैं, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही ज़्यादा लैपटॉप उनको रिकमेंड करूँगा कि आप अगर गेमर हैं तो आप इस लैपटॉप को ज़रूर खरीदें। आपको इसमें कोई भी हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें जो बैक साइड में जो एयर वेंट्स है वो काफ़ी खुली हुई है, तो जिससे कि ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा कूल रहता है। और अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें तो इसमें मल्टीटास्किंग ही बहुत ही बेहतरीन है, कोई भी लैगिंग ऐसा देखने को नहीं मिलता है, आप एक बार में बहुत सारे टास्क कर सकते हैं और काफ़ी फास्ट आपका इसका रिस्पॉन्स है। और अगर आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसमें आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स चाहिए तो आप इस लैपटॉप को ज़रूर खरीदें, क्योंकि इसमें 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स दिया हुआ है जो कि आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर जो हैं उसको ये रन कर देगा इजीली। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये लैपटॉप किन लोगों को खरीदना चाहिए। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो ऐसे ही अनबॉक्सिंग और कंप्यूटर लैपटॉप से रिलेटेड सॉफ्टवेयर रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और गाइज इसकी प्राइस की बात करें तो मैंने ये 60,000 में ऑफलाइन मार्केट से परचेज करा है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।